हेलो एवरीवन, IITian ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल 15 मार्च के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे एंट्री करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो इंट्राडे का स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने दिया है वो है क्वेस्कॉप, ठीक है। ये मैंने यहां पे ये वाली जो कैंडल है 12 मार्च की, इसके नेक्स्ट डे यहां पे दिया था, लेकिन मार्केट के अंदर कल काफी तेज गिरावट हो चुकी है और उस वजह से ये मार्केट के अंदर चला नहीं था। लेकिन इसका साइकोलॉजी मैं पिछले ये जो यहां पे है नवंबर से ट्रैक कर रहा हूं, यहां पे ये एक रेंज के अंदर रहता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो स्टॉक की रेंज है ना, वो आप मान के चलिए 488, ठीक है, और 488 के ऊपर 505 या 504 के पास में जाकर के ये रेंज के अंदर फंसा रहता है, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर निकलता है तो 530 के पास में चला जाता है, इसके नीचे आता है तो ये वाली जो रेंज है 480 475 उसकी तरफ आ जाता है। आप वापस आप देख सकते हो कि ये इसी जोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वापस 504 के ऊपर चला गया है। तो इसके अंदर ये मान लेते हैं कि 505 के ऊपर ये कल निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 510 और 517, ये दो टारगेट मिलते हैं और 500 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का स्टॉक है वो है ओबेरॉय रियल्टी, ठीक है, रियल एस्टेट की कंपनी है। और रियल एस्टेट की कंपनी के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन यहां से ये नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर के अंदर ये छोटा सा चार्ट पैटर्न इसने फॉर्मेशन किया था, कल इसने ब्रेक डाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये लो क्रिएट नहीं किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हो सकता है कि ये गलती से मार्केट गिरा उससे चला जाए, नीचे नीचे चला गया था, लेकिन अब ये वापस अगर ऊपर के अंदर कल जो आज वाला लो बना हुआ है उसके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर जो गलती है उसको माफ कर देंगे और ये चार्ट पैटर्न इस तरीके से फॉलो करता हुआ ऊपर के अंदर निकलने की कोशिश करेगा। तो आपको इसके अंदर 1330 के ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 1345 का पहला टारगेट बनता है, 1356 सेकंड टारगेट लगा के रखना है और स्टॉप लॉस 1319 का लगा के रखना है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको मैंने कल भी यहाँ पे दिया था, ठीक है, लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये कल के हाई के ऊपर निकला ही नहीं और वापस एक लो बना हुआ है यहाँ पे कल का, जो उसी के पास में जाकर के सपोर्ट लिया और फिर से एक छोटी हैमर कैंडल बना करके गया है। यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आईटी सेक्टर में बाइंग हो सकती है क्योंकि सपोर्ट के पास में है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 741 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री कर लेनी है। 749 ये पहला टारगेट बनता है, 755 ये सेकंड टारगेट बनता है और 735 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। हिंद कॉपर के अंदर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ये आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस स्विंग था, उसी के पास से घूम के जा रहा है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और यहाँ पे बहुत अच्छी वाली एक ग्रीन कैंडल भी बन चुकी है, तो हो सकता है कि ये वाला जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ निकले। इसमें बड़ी तेजी ये ब्रेकआउट देगा तभी होगी। तो आपको क्या करना है, 266 के ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करनी है। 269 ये पहला टारगेट और 272 ये सेकंड टारगेट बनता है, स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर 263 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है एमआरपीएल, ठीक है। एमआरपीएल के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर 10% का अपर सर्किट है, ठीक है। आप देखोगे कि काफी अच्छी तेजी हुई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, फिर से एक अच्छी वाली तेजी हुई, फिर यहां पे आप देखोगे कि इसने कंसोलिडेशन दिया है, ठीक है, सॉरी कंसोलिडेशन क्या, वापस से एक यहां पे करेक्शन दी है। अब वापस इसी जोन के अंदर आकर के, ठीक है, ये जो यहां पे कंसोलिडेशन दी थी नीचे आकर के इसी जोन से सपोर्ट लेकर के गया था, तो इसी जोन में ये वापस आ चुका है।
हो सकता है कि यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर में निकले, ठीक है। अब कैंडल आप देखोगे तो कैंडल आप इसको बोल सकते हो जो सपोर्ट एरिया के पास में बनी हुई है, और ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक कैंडल स्टिक है, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली ग्रीन कैंडल के दोनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। तो अब ये ऊपर के अंदर अगर 208 के ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए 211 और 214 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको 206 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये मैंने आपको बेस्ट 5 स्टॉप्स की लिस्ट बताई जिनके अंदर मैंने आपको एंट्री कहां पे करनी है, ठीक है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनता है ये बताया। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है, ये भी मैंने आपको बोल दिया है। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी आती है तो ही आप प्लीज इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, अगर नहीं आती है तो आपको नहीं करना है। ये जो लेवल मैं आपको बताता हूं ना वो एक जनरल कंडीशन होती है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, ठीक है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, ठीक है, इंट्राडे की जो ट्रेडिंग करते हो तो वो कहां पे करते हो, ठीक है, आपको लेवल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इंट्राडे के अंदर मार्केट का मूड क्या है, ठीक है, मार्केट का मूड क्या है ये भी आपको देखना है, ग्लोबल मूड क्या है वो भी आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है कि जो स्टॉक हमने लिया है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो हमारे स्टॉक को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ये अगर एंट्री हो रही है तो आपको एंट्री करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। इंट्राडे के बहुत सारे रूल होते हैं, अगर वो आते हैं तो ही आपको ट्रेड लेना होता है, नहीं आते तो प्लीज सीखिए, उसके बाद में ही कीजिए। सीखने के लिए हमने यहां पे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो आप जाकर के उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो वीडियो है उसके जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।